चाइना बिल्कुल पास में है और चाइना शरारती बहुत है, आपको पता है। गुरु नानक देव जी वाटर पॉइंट, वाहे गुरु वाहे गुरु। प्रभु किधर हो, प्रभु उधर ही हो क्या? जेसन क्या चाल, सत श्री अकाल। ये मेरा घर बन चुका है तवांग के अंदर में, क्योंकि आज हमारी यहाँ पे तीसरी रात होगी और रोड ट्रिप का जहाँ तक मुझे याद है आज पांचवा दिन है। सीन ऐसे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, बाहर जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर में ब्रेकफास्ट करने का मजा ही अलग है। एंड बस हम लोग परमिट का वेट कर रहे हैं, परमिट जैसे ही आएगा आज हम जाएंगे बुमला पास एंड आपको दिखाते हैं आज नाश्ते में क्या है हमारे पास में। बट भाई सच्ची में अमेजिंग होम स्टे, गुड फूड, गुड पीपल। सिर्फ एक कमी है, इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, मतलब कि आपके फ़ोन भी ढंग से नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस नहीं आ रही हैं, हमारा ना अपडेट नहीं आ रहा। वाह ये क्या मिल गया, फ्रूट चाट। वाह जैम के साथ में, जैम पीनट बटर, नाइस गाइस, जस्ट हैव अ लुक, आपका फेवरेट क्या है? वाह नाइस। तो भाई यहाँ बैठ के कर रहे हैं हम लोग रोज ब्रेकफास्ट, बट आज एक्साइटेड है हम लोग बुमला पास के लिए। बुमला पास और अभी धूप निकली हुई है, बट दोपहर होते होते डेफिनेटली फिर से बारिश मिलने वाली है, क्योंकि पिछले 2 दिन से सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही है। मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, है ना, पूरा राइडर पक्का हो रहा है। आज मैंने 4 लेयर पहन ली। ओह माय गॉड, यहाँ पे हीटर चल रहा है कल रात से, तो मैं इनको बोल रहा हूँ तुमने सारा ऑक्सीजन खा लिया, जला दिया। एनीवेज खाना खाते खाते हमारा परमिट आ गया, अब हम लोग जा रहे हैं बुमला पास। बट परमिट में एक चीज लिखी थी, एक चेक पॉइंट है जिसको 11 बजे में क्रॉस करना है और 3 बजे वापसी में क्रॉस करना है, मतलब ये टाइम लिमिट मिलता है, ये टाइम स्लॉट मिलता है। एंड द परमिट इज वैलिड ओनली फॉर टुडे। एंड परमिट कैसे बना है थोड़ी देर में पूरी डिटेल दूंगा, बट इवेंचुअली जहाँ पे रुके हुए हैं ना, इन्होंने हेल्प की है, इन्होंने ही परमिट बना के दिया। इनका एक एसोसिएशन है, आपको अपना लाइसेंस देना है, बाइक का आरसी देना है और इंश्योरेंस भी देना है। ट्रिप बेटर कर देते हैं, 0 टाइम हो गया है, 8:12। बुमला ज़्यादा दूर नहीं है, 37 किलोमीटर है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है जाने में। एंड भाई जहाँ रुके हुए ना, इनका अपना पर्सनल इसुजू भी है, इसको देख के मुझे सिम्बा की खूब याद आ रही है, खूब बहुत अच्छा है यार, 2 दिन से यहाँ खड़ा ना, देखो आई लव इसुजू। एंड ये डॉगी सोता रहता है भाई, सोता रही हो तू है, आलस से भरा हुआ है। बट आज वेदर क्लियर है, आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि कल यहाँ से जब निकले थे ना बहुत ज़्यादा क्लाउड से। एंड यहाँ के एक बार एक्सपीरियंस करो भाई, सड़कें बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है, मतलब तवांग के अंदर में ऐसे चलती है रोड सीधा ऊपर, फिर उतरती है ऐसे नीचे, 1 घंटा 16 मिनट बस ये रहा। चलो भाई मज़ा आ गया, टाइम से ही निकले आज, नॉट सो बैड। और ना नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा बाहर आके रोड पे रुक गया मैं और मैंने मैप लगा दिया। एंड अब फॉलो करते जाएंगे इसको। वेलकम वेलकम वंस अगेन वेलकम। ये देखो भाई एक ड्राइव निकली हुई है जो कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, दे कीपिंग द टाउन क्लीन, वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी लिटरिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं भी गंद नहीं फैला रहे हैं। वाह यार इतने सारे लोग लगे हुए अच्छे काम में, आप भी यार केयर करा करो जब ट्रैवल करते हो ना, बोतलें बोतलें मत फेंका करो भाई, और जो भी रैपर वैपर जो भी खाते हो ना अपने पास रख लो, डस्टबिन में जाके उसको थ्रो कर दो, दैट इज ऑलवेज गुड, माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन आउट देयर। अगर आपको बढ़िया थुपका खाना ना तो यहाँ आ जाना, मॉन वैली रेस्टोरेंट, ये लिखा है मॉन वैली रेस्टोरेंट, इनका खाना अच्छा है, मेन कोर्स में आ जाओ आप, ओए होए होए मजा आ जाएगा आपको, मतलब लोकल्स का भी फेवरेट है, इतना बता रहा हूँ आपको मैं। अभी क्या करना है हमें, 60 मीटर के बाद यू टर्न लेना है, ऊपर जाना है, मतलब इतना ऊपर नहीं बस यहाँ से ऊपर जाना है। ये लिया हमने एंट्री इधर को, एंड आपको बता दूँ ये मार्केट ना वन वे हो जाता है शाम में, अभी तो चलो ठीक है कोई नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है। बाय बच्ची, ओए होए क्यूटी, ओए होए होए सो क्यूट, आप सो क्यूट, बाय बाय। वो देख रहे हो बुद्ध जी का स्टैचू,
तो हम उधर जा रहे हैं दोबारा से। मेरा दिल कर रहा है एक बार ड्रोन शॉट भी ले लेते हैं, आज वेदर खुला हुआ है। ऑन द वे बैक पता नहीं वेदर कैसा होगा, अभी टाइम भी है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे एक अमेजिंग सा यहाँ से ना ड्रोन शॉट निकालते हैं, क्योंकि हम लोग कल भी गए थे अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, बट कल काफ़ी शाम हो गई थी, अभी काफ़ी ब्राइट है, बढ़िया है, तो चलो ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज रूट यहीं से है हमारा, ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए कहीं और अलग से जा रहे हैं, डिटूर कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसी रूट से हमें निकलना था। आई थिंक अगेन द परफेक्ट टाइम गाइस, आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। बस अभी हम निकलने लगे थे एंड इतने सारे टूरिस्ट आ गए, देखो सही टाइमिंग, ज़्यादा देर लगी नहीं, सिर्फ 10 मिनट एंड वी आर डन, वी आर गुड, आई एम हैप्पी। ओके भाई टेक केयर, कुछ भाई मिले हमें असम से, भाई कोशिश करना मीटअप पे आना, 15 तारीख को अनाउंस किया गुवाहाटी में। यस 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 लेट्स डू इट, चलो अब करते हैं 200 टूवर्ड्स बुमला पास। सो भाई ये रे बुद्धा जी और उनके जस्ट पीछे से रास्ता जा रहा है बुमला पास के लिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपने ये वाला व्लॉग देखा होगा तो। क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है, इतने सारे फ्लैग्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सैल्यूट है भाई, रोड सो फार बहुत बढ़िया है दोस्तों, हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, हमें वो नीचे बुद्धा जी दिख रहे हैं वो दूर में, वो इतने से दिख रहे हैं अभी क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे हैं। यू कैन सी लेफ्ट में क्लाउड्स हैं जो धीरे धीरे ऐसे वैली की तरफ से हमारी साइड आ रहे हैं। तो भाई ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका परमिट चेक होता है, तो हमने परमिट चेक करा लिया है, तीनों का एंट्री हो चुका है, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, बुमला है 26। ये स्टीप टर्न, बट चलो आपको दिखाते हैं हम अपने आप को दूसरे एंगल से, दूसरे प्रोस्पेक्टिव से। सो आर यू रेडी गाइस, 3, 2, 1। क्या कह रहा, मजा आ रहा है। देखो भाई किस्मत हमारी इतनी बढ़िया है ना कि यहाँ धूप निकली हुई है, रास्ते में इतना क्लाउडी था बट यहाँ क्लियर वेदर है और सिर्फ 15 किलोमीटर यहाँ से बुमला। एंड भाई द राइड इज सो स्मूथ, मतलब जनरली ना पासिस पे रोड टूटा होता है, यहाँ पे ऐसा दिक्कत ही नहीं है, चिले BRO रॉक्स, यू नो आपको पता है क्यों बनाया रोड है ना, चाइना बिल्कुल पास में है और चाइना शरारती बहुत है आपको पता है, इसीलिए इंडियन आर्मी के लिए ये बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने मेंटेन कर रखा है। और एक चीज़ मैंने नोट करी भाई, बहुत सारे यहाँ पे वाटर बॉडीज़ आपको देखेंगे, मतलब एक ये रहा, 6-7 हम पीछे छोड़ आए हैं, 2-4 और हैं, एक तो बहुत खूबसूरत था भाई, वापसी में ट्राई करेंगे उसको। एंड द प्लेस इज अमेजिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप, ईजी टू एक्सेस, नो टेंशन, जस्ट इन्जॉय योर राइड, इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड बी ग्रेटफुल। जब आप ट्रैवल करते हो ना आपको रियलाइज होता है आप इनने से जब दिल्ली में बैठे होते हो इतनी टेंशन लेके बैठे होते हो जैसे आप ही दुनिया चला रहे हो, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं हो भाई, कुछ भी नहीं हो, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है देखने के लिए, टू मच यू नो। लैम्बो तो नहीं आ सकती यहाँ पे, बट लैम्बो वाले पटाखे तो हमारी भूसा मार रही है, बूम पट बूम पट 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 पट, गुरु नानक देव जी वाटर पॉइंट, वाहे गुरु कृपा रखना बाबा जी सभी पे, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन पे भी, जो मेरे भाई लोग हैं उन पे भी, हम पे भी, फैमिली पे भी, सब पे भी।
देख देख फतेह। तो यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब भी है ऊपर में। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वेरी गुड भाई, व्हाट अ फीलिंग। वो ऊपर में वाहेगुरु जी, वाओ भाई। ये नहीं पता था, ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, बट बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ना गुरुद्वारा साहिब बनाए हुए हैं। Never seen anything like this. Trust me, मैंने कहीं पे भी ऐसे गुरुद्वारा साहब नहीं देखे। सच्ची 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 बोल रहा हूँ। वापसी में यहाँ रुक के ना एक बार आपको दिखाऊंगा दूर से, और यहीं से मत्था टेकेंगे भाई, क्योंकि जैसे मेरे को वहाँ ट्रैकिंग दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है आज तो नहीं हो पाएगा। जे छाप छोड़ दी। तो दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहाँ जल्दी कोई आता जाता नहीं है, मतलब मजाक से हट के। हमें ना एक पास करना था जो अभी अभी खुला, 3-4 महीने पहले। क्या नाम है भैया पास का, क्या बोलते हैं? रुंग रोला पास। हम पीछे छोड़ा है बुमला पास, मतलब हमें पता भी नहीं लगा कब छूट गया है। और नीचे उतर रहे, हमें कंफ्यूजन तो हुआ एक दो बार। हमने सोचा यार क्या हो रहा है, हमसे गड़बड़ हो रही है, यहाँ नीचे एक लीक है। सारा टूरिस्ट इधर आ रहा था, टूरिस्ट को फॉलो करते करते हम भी आ गए। तो एक ऐसा वाई जंक्शन है, मतलब यहाँ नीचे 100 मीटर पे लेक है, सारी गाड़ियां जो है टूरिस्ट की नीचे जा रही हैं, हम जा रहे हैं उस तरफ को। एक जो पास है मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों ने किया है, तो आज आपको हम वो भी दिखा देंगे। और हमने यहाँ से पास है, वो बहुत खास है। यस, स्टीकर ऑलरेडी लगा दिए जो हमारे आस पास है भाई। ये शॉप बढ़िया है, मतलब सारा सामान मिल रहा है जरूरत का, एवरीथिंग। अगर क्विक फिक्स भी भूल जाओ वो भी मिल रही है, मतलब एल्फी। बट भाई जाम जा रहे ना, वहाँ पहली बूसा जा रही है अब तो मैं बोल सकता हूँ। बुमला का मैं श्योर नहीं था, क्योंकि मेरा एक दोस्त है कोलकाता से अली भाई, वो आया हुआ है इस तरफ। तो अब हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पे 100% ये जो बूसा है ना, ये फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 4 महीने पहले ये पास खुला है भाई। मजे ही मजे, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी हमने, हिस्ट्री बना दी आज। यहाँ पे हमारा चेकिंग होगा, जसमिंदर MINDER SINGH। जेंट्स जेंट्स है प्रबल गिरी हो मत। आप लोग टूरिस्ट पास से जा रहे हो या सर? टूरिस्ट टूरिस्ट। सो भाई परमिट चेक हो गया है, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मजा आएगा। और रोड ठीक हो गया, देखो ऐसे रोड मिल गया तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। प्रभु उधर ही हो क्या? भाई मैं जब भी ना इतना क्लोज आता ना स्नो कवर्ड पीक के, जो बादलों में गिरे होते हैं, मेरे को लगता है एहसास होता है भगवान जी वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। और हमें देख रहे हैं नीचे ऐसे ज़िगज़ैग, हम लोग बाइकें चला रहे हैं, और मेरे मुंह से निकल जाती है हर बार कि प्रभु जी किधर हो, कोई पूछे तो बताओ भगवान जी तो यहीं रहते हैं। बट रोड अपडेट देता हूँ भाई, रोड बहुत ईजी है, आप रीच कर सकते हो गाड़ी से या बाइक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ये पत्थर लगे हुए हैं रोड पे, टेंशन फ्री है। दूसरी चीज है, देर इज नो ट्रैफिक एज ऑफ नाउ 2024 मई में, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। आगे का पता नहीं, बट अभी ये जगह ज्यादा फेमस नहीं है, टूरिस्ट नहीं आते यहाँ पे। टूरिस्ट जाता है बुमला, उन्होंने नाम बहुत सुना होता है ना, तो उनका भी एक विश लिस्ट होता है, बुमला कर दिया तो तवांग कर दिया, चाइना देख लिया, बट चाइना यहाँ से भी दिखता है। एंड आई होप नियर फ्यूचर में ये जगह भी थोड़ा फेमस हो जाएगी, एंड इस वीडियो के बाद भी हो जाएगी। और ये रास्ते देखो, ऐसे ज़िगज़ैग करते हुए आए हम, वो सामने भी इतनी अच्छी माउंटेन रेंज है, ब्यूटीफुल जगह का ना, मतलब अगर एक वो होगा ना रेट कार्ड, कितना लगाओगे 10 out of 10, तो मैं 10 out of 20 दूंगा भाई। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ग्रीनरी है, और बहुत अलग टाइप के पासेस हैं। मैंने बहुत पास किए हैं, आपको पता ही है मैं हर जगह जाके पास हो जाता हूँ, बट ये वाला पास थोड़ा अलग पास है, और ये दिल के थोड़ा खास है। और वैसे भी मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था ना, इसके नहीं, मतलब जब सीरीज शुरू हुई थी, जब भी आप कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, जैसे बाकी जगह मैं बहुत बार गया हूँ ना, इस जगह पहली बार आया हूँ, तो इसीलिए सब कुछ ना बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपनी मेमोरी फीड में, अपनी डायरी में, डिक्शनरी में ना चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ, एंड लाइफ ही यही है भाई।
मेरे पीछे वाले टायर पे पत्थर आया, बाइक उछल गई, अभी गिर जाती इसके अंदर भी। पीछे वाले राइडर्स को कंटेंट मिल जाता, बट डेफिनेटली अगर गिर जाती ना बहुत नुकसान होता और मेरे से तो ना निकलती, आर्मी बुलानी पड़ती भाई। ऐसे उछल गई बाइक मेरे पीछे से, भाई गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को, सही बता रहा हूँ, गूज बम्स आ रहे हैं। व्हाट अ फीलिंग मैन, ऑल न्यू एक्सपीरियंस, लविंग इट। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिफरेंट वर्ल्ड में हूँ ऑल टुगेदर, है ना, बहुत अलग फीलिंग है। दिल पे दुख 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 भी हो रही है क्योंकि भाई ये वाला पास ना बहुत स्पेशल है ना, क्योंकि भाई मतलब जा जा तू जा 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 जा, मेरे मुंह पे मत मारियो पत्थर, बता रहा हूँ मैं। बूस आर नो टेंशन, जहाँ थ्रॉटल दो निकल जाती है आराम से, बिकॉज दिस इज अ वेरी टॉर्की मोटरसाइकिल यू नो। वो बोल रहा रोड बंद हो गया, स्टार्ट हुआ ना बीटी वाला, हाँ उधर से दूसरा रोड है। अरे चढ़े और वो, अरे समझ गए समझ गए, वो हमें समझ नहीं आया, इधर में आर्मी कैंप था, ये रोड बना था, बना हुआ रोड, शेट। चलो फिर, सो भाई थोड़ा सा फिर से गलत आ गए, अब तो डेफिनेटली यहाँ तक तो कोई नहीं पहुँचा भाई, अब समझ में आया कि क्यों हमसे लोग पूछ रहे कहाँ जाना है, तो हमने ना एक कट मिस कर दिया और वो पास पीछे रह गया भाई। अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर वाला भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, अब नीचे चलो 6 किलोमीटर, हम 6 किलोमीटर ऐसी जगह आ गए जहाँ अभी तक डेफिनेटली कोई नहीं आया था भाई, कोई सिविलियन नहीं आया था, पक्की बात है। ये रोड बन रहा है और हमसे एक कट मिस हो गया, तभी मैं कहूँ 2-3 लोगों ने पूछा कहाँ जाना है कहाँ जाना है, अभी टॉप का नाम याद ही नहीं, मैं बोलो टॉप जाना है, वो कह रहे जाओ 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 जाओ, भाई क्रेजी सीन हो गया। बट कह रहे थे ये लोग ना यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है, बाइक्स खड़ी करके ना हम ऐसे थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ देख सकते थे चाइना को, बट द प्रॉब्लम वो कि सब फॉगी हो गया यार, अभी ट्रैक भी करते तो कहाँ इतना मज़ा आता है ना, कुछ दिखता ही नहीं, सांस अलग चढ़ता, मौसम बिगड़ रहा है, जल्दी जल्दी उतर लो, और टाइम भी रनिंग है, 4 घंटे हमारे पास चेकआउट करने के लिए, चेकआउट मतलब जिस एंट्री जहाँ पे गया था वहाँ से निकलने के लिए, जिस TCP पे। हमसे ना ये टर्न मिस हुआ था, हमें लगा ऊपर जाना है, बताने के लिए कोई नहीं था, हमें नीचे जाना था इस तरफ को, लुंगरोला पास इधर है, फिर भी हम पूछ के जाएंगे क्योंकि यही कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है, दोनों जगह पे लिख देना चाहिए था, हमसे भी गलती हुई आपसे भी होगी, तो याद रखना एक ऐसा बाइक टर्न आएगा आपको राइट लेना है, बट फिर भी मैं जरा कंफर्म करके जाऊंगा भाई। ये जगह थी वेलकम टू लुंगरोला, मतलब हम 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ भी एक छोटा सा पॉइंट है एंड ये लास्ट पॉइंट है शायद, देखो ऊपर कैफे है आर्मी का, नहीं अभी टूरिस्ट नहीं आता ना ज़्यादा, अभी नया खुला है ना, मेरा बता दिए जसमिंदर सिंह, ठीक थैंक यू जी थैंक यू, बिस्कुट हमारे पास है ही है, केक भी है हमारे पास, चाय आपके साथ पी लेंगे। सो भाई एंट्री हो गया है, वो सामने में मेरे को टेंपल दिख रहा है, दैट इज द लास्ट पॉइंट जहाँ तक हम लोग जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई, अमेजिंग अमेजिंग। तो यहाँ पे जो आर्मी वाले थे वो बोल रहे हमने सीटियाँ भी मारी थी, आपको सुनाई नहीं थी, आप आगे चले गए। तो भाई पता नहीं कहाँ पे थे हमारे थॉट्स, हमें पता नहीं लगा, बट चलो जो एक्सपीरियंस किया था ना वो बहुत अच्छा था यार, इन लव विद इट। अभी देखो वेदर क्लियर हो गया, अगर थोड़ी देर क्लियर हो जाएगा तो चाइना देखिएगा भाई, चीकड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़ चीकड़ कीचड़, लास्ट के टर्न पे भाई थोड़ा ट्रिकी हो गया, बहुत चिकड़ है, ओए होए 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 होए, पूरी बाइक मेरी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, खतरनाक टर्न है भाई, चिकड़ से भरा हुआ है।
भाई ओ भाई 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 निकल गई, फन आ गया भाई लास्ट में। बिल्कुल लास्ट के 4-5 जो टर्न है ना, सांस तो चढ़ा दिया बट मजा आ गया, एडवेंचर हो गया हमारा। चिकड़ ही चिकड़ है भाई। हुई 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 लुंगरोला भाई, बहुत कम लोग यहाँ पे आए हैं, जल्दी से देख लो, एक्सक्लूसिव कंटेंट है। ये है लुंगरोला पास, ये लास्ट पॉइंट है, जहाँ तक आप आओगे वहाँ पे एक लास्ट पोस्ट है इंडिया का। उसके बाद जो आपको पीछे का पहाड़ दिख रहा है वो चाइना है, इनफैक्ट नीचे में भी एक पोस्ट बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर अभी आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, वो देखो वो भी चाइना है। और वहाँ पे एक रोड है, दैट इज़ अ 4-लेन हाईवे, जस्ट इमेजिन, एंड दिस इज़ अ ट्रू फीलिंग ऑफ बींग इंडियन, प्राउड इंडियन। बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कभी इतना पास से चाइना नहीं देखा है। एंड दिस इज़ अ मस्ट विजिट, अभी टूरिस्ट के लिए खुल गया है, बहुत रिसेंटली खुला है, 4-5 महीने ही हुए हैं, सो यू शुड ऑल्सो कम एंड एक्सपीरियंस इट।